कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना जिसको देखने का बार बार मन करता है, और वहां जाकर जो टर्न्स और ट्विस्ट जानने मिलते हैं ना, वो जानकर तो बड़ा मजा आता है। एटलीस्ट मुझे तो बड़ा मजा आता है, आपको भी आएगा। देखिए भाभी जी के दोनों मनचले पति तिवारी जी और विभूति नारायण मिश्रा ने मन बना लिया है कि वो अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ के कुछ दिनों तक कहीं और रहने की व्यवस्था करेंगे। तो कहाँ ठहरने वाले? अगर किसी होटल में ठहर रहे हैं तो एक कमरा मेरे लिए बुक कर दीजिए। हमारा सब विचार नहीं है। क्या खुले में कैसे सोएंगे? ऊपर वाला कोई ना कोई जुगाड़ कर देगा। अब इनके मन में ये सवाल आया भी कैसे, क्या ये दोनों अपनी अपनी पत्नियों से इस कदर त्रस्त हो गए हैं कि अब कहीं और रहने का जुगाड़ कर रहे हैं। दिवाली जी, एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं अनु से कुछ दिन दूर रहूँगा तो हम दोनों एक दूसरे को निजात मिल जाएगी। बिल्कुल बहुत सही, हम भी कुछ ऐसा सही सोच रहे हैं। बस स्टॉप पर दोनों आ गए अपना अपना सामान लेकर। गली के नुक्कड़ पर बस का इंतजार ही कर रहे थे कि इतने में टीका, मलखान और टिल्लू आ गए लड़कियों को छेड़ते हुए। अकेले ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सारी भाभी आ गई तुम्हारी। अब विभूति नारायण ने इन तीनों को देखा और उनकी ट्यूबलाइट जल गई। उन्होंने ठान लिया कि कुछ दिनों तक वो इन तीनों के साथ ही रहेंगे। और भैया, कौन सा जुगाड़ की बात चल रही है? मैं तुम लोगों के साथ एक हफ्ते रहने वाला हूँ। भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? मैं अपनी मर्जी से बाहर आया। ठीक है भैया, क्यों ना, आपने हमारी इतनी मदद करी है तो हम भी आपकी मदद बिल्कुल करेंगे। ठीक उसी के बाद तिवारी जी को भी सक्सेना जी का साथ मिला जो इन दिनों किसान बने घूम रहे हैं। मेरे देश की धरती। ये बहुत गर्म किस्म का तड़का लगाने वाले हैं। बहुत ही इतना ऐसा तड़का है के उसमें आप लोग देख देख के हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ऐसे ऐसी जुताई करूंगा मैं इनके साथ और विभूति भैया के साथ कि आप लोग देखकर किसान बनने के लिए सोचने लगेंगे। हो सकता है प्रोफेशन बदल ले। किसान, आई लाइक इट। अब तिवारी और विभूति जी, आप दोनों अपनी अपनी पत्नियों के बिना तो रह लेंगे, लेकिन विभूति नारायण, आप अपनी भाभी जी और तिवारी जी, आप अपनी भाभी जी के बिना कैसे दिन गुजारेंगे? ये बात सोच सोच कर हमें भी परेशान कर रही है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।